Hello everyone, welcome back again to ME5. Today in this video we are going to discuss about humanities and social science. जी हाँ दोस्तों, क्या क्या career opportunities हैं in humanities and social science के बारे में, आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं very detail में. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. As usual हम basic से start करेंगे दोस्तों, क्योंकि humanity और social science जो है it has becoming more and more promising career opportunities in these modern times. क्योंकि जितने भी कॉरपोरेट कंपनीज हैं हैव बिकम मोर एंड मोर इंक्लाइंड, उस तरफ इंक्लाइंड होते जा रहे हैं जहाँ पे यंग ग्रेजुएट्स को जो उनके पास नॉलेज है ह्यूमैनिटीज़ के रिलेटेड या फिर सोशल साइंस के रिलेटेड, ओके, और उनके पास उस तरह का एक्सपीरियंस हो, तो वहाँ पे इन लोगों को फोकस किया जा रहा है हायर करने के लिए. स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, ओके. और क्या क्या सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं, सो इट विज नो इट इंक्लूड हिस्ट्री, म्यूजिक, आर्ट्स, ओके. इट विल ऑल्सो इंक्लूड द पोलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ओके. ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे इसमें इंक्लूड किए गए हैं, राइट. और उसके अलावा भी आपको कई तरह के डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्सेस भी करवाए जाते हैं दोस्तों, स्पेशली इन द एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी की बात करें तो आपको बोथ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, ठीक है. एंड दे आर रिक्रूटर्स आर ऑल्सो प्रेफरिंग टू हायर दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम बेसिकली इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस. तो एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप सोशल साइंसेस को परस्यू करना चाहते हैं अपने करियर को, तो किस तरह से इसकी तैयारी शुरू किया जाए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है. देखिए, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स दोस्तों, एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए इन 10+2 अगर आप देखेंगे 12th क्लास तक. और उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस, और पोस्ट ग्रेजुएट जिसे मास्टर्स कहते हैं ना, वहाँ पे भी आप अपने इस करियर को परस्यू कर सकते हैं. वहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 50% तो स्कोर करना पड़ेगा, बट एनी हाउ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपना कट ऑफ रखते हैं दोस्तों, तो सेफ साइड आप मेरी मान के चलिए तो मिनिमम 60-70% आप अपना परसेंटेज को मेंटेन करते जाइएगा हर सब्जेक्ट में, ताकि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी हो उतना ज़्यादा कट ऑफ आपको नहीं रखेगी. तो स्किल्स की बात करें, द स्टूडेंट्स मस्ट हैव एबिलिटी टू एनहैंस द डोमेन लैंग्वेज, उनके पास स्किल्स कॉम्पिटेंसी की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ओके. दे मस्ट फोकस ऑन एनरिचिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, ओके. रीडिंग स्किल्स आपको अच्छी होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आपको अच्छे से आनी चाहिए दोस्तों, ठीक. तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो पहले जो है आपको 10+2 में अच्छे से अगर 50% मार्क्स आ चुके हैं एज पर द क्राइटेरिया, देन यू विल हैव मेनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, मेनी प्राइवेट कॉलेजेस, मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपको ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के ऊपर पढ़ाया जाता है क्लियरली, ओके. अगर आप और भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे भी हैं, तो IITs में भी इस तरह के कोर्सेज आपको ऑफर किए गए हैं दोस्तों, ओके. एंड द स्टूडेंट्स हु पास आउट फ्रॉम द ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस कैन बिकम ए राउंड शेप प्रोफेशनल, याद रख लीजिए, उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, दे हैव ए ब्लेंड ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, क्लियर. एंड इज लाइकली टू गेट ए डाइवर्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, और आपको जो है ये जो डिमांड है वो आपको अब्रॉड में भी देखने को मिलेगा, कई तरह के डिमांड है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो ग्लोबल ट्रेंड जो चल रहा है ना रिसर्च के रिलेटेड, पब्लिकेशन के रिलेटेड, ओके, इस ट्रेंड में कई सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो उनका बैकग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का ही बैकग्राउंड है. Because the students from undergraduate and postgraduate program, they are going into this research and publication work, दोस्तों. और इनकी जो research है वो कई तरह के journals में भी publish किए जा रहे हैं. Right? And the focus on outcome-based education and जो भी learning outcomes curriculum, जो framework design किया गया है हमारे India में, it will help a lot and it will create a major boost for those students, okay? ताकि वो placement में भी अच्छे से अपनी job को pursue कर सकें, because आपको यहाँ पे assistant professor की तरह job देखने को मिल सकती है, teacher, research analyst, editor, geologist, manager या फिर historian, स्टैटिस्टिशियन आप बन सकते हैं इसमें, ओके. एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप यहाँ पे इस सेक्टर में आपके करियर को परस्यू कर सकते हैं. तो इस तरह के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों भी अपना इक्वली रोल प्ले कर सकते हैं दोस्तों, ओके. इसके साथ साथ इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो कि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में अपने बच्चों के लिए इनक्रेज करें, अगर उनकी इंटरेस्ट आपको लगता है कि वो हिस्ट्री के बारे में अच्छा उसका प्लस पॉइंट है, हिस्ट्री में उसको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हिस्ट्री जानकारी में उसके अच्छी नॉलेज है, राइट, या फिर एंथ्रोपोलॉजी के रिलेटेड उसकी नॉलेज है,
तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि ऐसे बच्चों को उस करियर प्रोग्राम में ही ज्वाइन किया जाए जहाँ पे उनका इंटरेस्ट हो दोस्तों। ओके, तो उन लोगों के लिए ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस एक डेफिनेटली सक्सेसफुल करियर बन सकता है अगर उन्होंने अच्छे से मेहनत की। और यू कैन ऑल्सो हैव इन अब्रॉड एट लुक्रेटिव सैलरीज ऑल्सो। ओके, अब्रॉड में भी आप सेटल हो सकते हैं एट लुक्रेटिव सैलरीज। तो दिस इज अबाउट एन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए आपको, राइट और उसके बाद करियर एंड जॉब्स के बारे में मैंने आपको बताया था क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स है, मैनेजर, हिस्टोरियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मैंने बताया आपको, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा है कि किस तरह से इसका स्कोप होने वाला है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज किस तरह से होने वाली है। तो पेरेंट्स के लिए भी एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से कि आप अपने बच्चों को उनका इंटरेस्ट को पहचानिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे वो अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। ऐसा यू नो ऐसा नहीं कि आप उनको पर कंपलसरी बना दे कि इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। ओके, कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, जो इंटरेस्ट बच्चों का होता है ना उनका खुद का एक करियर होता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, वहाँ पर भी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, राइट। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।